Hello everyone, welcome back to our channel that is Health Bar. So in this video we will be talking about the that is order of draw sequence. अब order of draw sequence का मतलब क्या होता है? Order of draw sequence का मतलब ये है कि किस तरीके से हमें vials के अंदर sample को pour करना है. जब आप blood sampling लेने जाते हो तो सबसे पहला जो sample है हमें कौन सी vial में डालना है. हमारे पास different कलर की vials होती हैं, for example red हो गया, lavender है, grey है. तो सबसे पहले हम किस vial को choose करेंगे sample को pour करने के लिए. लेकिन उससे पहले हम discuss करते हैं कि हमारे पास एक होता है vacutainer holder and BD needle. कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में हम सिरिंज, हम लोग सैंपल जब लेते हैं तो सिरिंज का यूज़ करते हैं. कुछ हॉस्पिटल में जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं वैक्यूटेनर होल्डर एंड दी बीडी निडल. अब बोलते किसे हैं? ये हमारे पास होता है डेट इज़ वैक्यूटेनर होल्डर और इसको हम बोलते हैं डेट इज़ द बीडी निडल. अब जब भी इसको हम यूज़ करते हैं तो हमेशा इसका जो वाइट कैप है इसको हमें रिमूव करना है. इसको हमें इसके ऊपर अटैच करते हुए, रोटेट करते हुए हमें ब्लैक कैप को रिमूव कर देना है. और इस पोर्शन को हम अटैच करेंगे किसके अंदर? वेन्स के अंदर, चाहे वो सिफेलिक या फिर हमारे पास बेसिलिक वेन है. जब आप अटैच करोगे 35 से 45 डिग्री के एंगल पे हमें इसको अटैच करना होता है. अटैच करने के बाद आपने जो वाइल्स लेनी है या फिर इसको हम बोलते हैं वैक्यूटेनर्स, इसको आपने इसके अंदर अटैच कर देना है. अटैच करते ही इसमें जितना वैक्यूम प्रेजेंट होगा वाइल्स के अंदर उतना ही सैंपल हमारा इसके अंदर फिल होता है. तो ये तो हमारे पास हो गया कि किस तरीके से हम लोग अटैच करेंगे होल्डर को निडल के साथ. अब जो हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का सीक्वेंस होता क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं इस सीक्वेंस को. इस सीक्वेंस को यूज़ करने का मोटो ये है कि हम क्रॉस कंटामिनेशन से बचा रहे हैं. अब सबसे पहले जो वाइल हम चूज़ करते हैं वो होती है हमारे पास स्काई ब्लू. तो स्काई ब्लू वाइल जो होती है इसको हम बोलते हैं PTINR वाइल. इसको जो हमें शेक करना होता है वो हम करते हैं कितनी बार? डेट इज़ 3 से 4 बार. तो शेक कैसे करना है? कभी भी अपर एस्पेक्ट को टच करते हुए शेक नहीं करते हैं. हमेशा इसको जब हम शेक करेंगे तो 1, 2, 3 and 4. सेकेंड जो आती है हमारे पास वो है हमारे पास येल्लो वाइल. येल्लो वाइल को हम क्या बोलते हैं? डेट इज सीरम सेलेक्टिव ट्यूब, मतलब इसको हम सीरम वाइल्स बोलते हैं. इसको जो हम शेक करते हैं वो करते हैं हम लोग 4 to 5 times. नेक्स्ट वाइल हमारे पास आती है डेट इज रेड. रेड वाइल जो होती है इसको हम बोलते हैं प्लेन वाइल और रेड वाइल को जो हम शेक करते हैं वो हम करते हैं 4 to 5 times. देन नेक्स्ट वाइल जो हमारे पास आती है वो है हमारे पास डेट इज़ ग्रीन. ग्रीन वाइल जो होती है हमारी इसको हम बोलते हैं हिपेरिन वाइल. हिपेरिन वाइल को जो हमें शेक करना होता है इसको हम शेक करते हैं डेट इज़ 8 to 10 times. देन नेक्स्ट वाइल जो हमारे पास है डेट इज़ EDTA या फिर इसको हम बोलते हैं लेवेंडर वाइल. इस वाइल को जो हम शेक करेंगे इसको भी हमें 8 से 10 बार ही शेक करना होता है. लास्ट जो आती है हमारे पास वो है ग्रे वाइल. ग्रे वाइल जो होती है इसको हम बोलते हैं डेट इज़ फ्लोराइड वाइल या फिर इसको हम ब्लड शुगर वाइल भी बोलते हैं. इसको हम जब शेक करते हैं तो इसको हमें कितनी बार शेक करना है? 8 से 10 बार शेक करना होता है. तो जब हम ये वाइल्स चूज़ कर रहे हैं, ये वाइल्स जो हैं हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग रूटीन सैंपल ले रहे हैं. जब हमें कल्चर सैंपल लेना है हम कल्चर बॉटल्स का यूज़ करते हैं. तो हम जो कल्चर बॉटल्स यूज़ करते हैं वो 2 types की यूज़ करते हैं. एक होती है एरोबिक, एक होती है एनरोबिक. दोनों में ही हमें सैंपल को डालना होता है. कभी भी हम कल्चर बॉटल्स को शेक नहीं कर सकते. हमेशा हमें वाइल्स को ही शेक करना है, कल्चर बॉटल को हम शेक नहीं कर सकते हैं. तो ये वाला सीक्वेंस जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का सीक्वेंस. और यही सीक्वेंस हमको यूज़ करना होता है जब आप लोग ब्लड सैम्पलिंग के लिए जाते हो. तो एक बार फिर से हम इस सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो आप चूज़ करोगे वो है आपके पास डेट इज़ स्काई ब्लू, देन येल्लो, रेड, ग्रीन, लेवेंडर एंड ग्रे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ सीक्वेंस. Till then, you can like our channel, subscribe it and hit the bell icon so that you will get the notification of the upcoming videos. Thank you so much.